देश की सारी महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और धन्यवाद करूँगी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी का और हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वास जी का। और आज का ये जो दिन है ये हम लोग के लिए एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है और आज हम लोग को ये महसूस होता है कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। देखिए आज महिला दिवस ऐसे तो 8 मार्च को मनाया जाता है लेकिन हमारी पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग किसी कारणवश 8 मार्च को नहीं मना पाए तो आज हम लोग 10 मार्च को मना रहे हैं। महिला दिवस एक त्यौहार की तरह हम लोग मनाते हैं और सबसे बड़ा बात है कि बिहार में महिलाओं को जो सशक्तिकरण मिला है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। आज हम घरेलू महिला भी आपके सामने दो शब्द कह रहे हैं तो सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, उन्होंने महिला को सशक्त बनाया। महिला दिवस तो मनाया जाता था लेकिन उन्होंने कदम बताया महिलाओं को सशक्त, महिलाओं को अपनी टीम के साथ उनको दिल से आभार देते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम महिलाओं को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को 35% आरक्षण जो बात चल रही है उसको हम धरती पर उतारेंगे। आज की बात देखिए क्या बोले महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को ये किया है। शायद इस धरती पर कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आएंगे जो महिलाओं को।